क्रॉनिक किडनी डिसीज़ ऑब्वियसली, जबकि गुर्दे को काफ़ी समय से चोट लग रही है, चाहे वो डायबिटीज़ की वजह से है, चाहे ब्लड प्रेशर की वजह से है, स्टोन के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से है, तो इन सबसे जब किडनी काम करना कम कर देती है, डैमेज होने लग जाती है, एक नहीं दोनों किडनी जब काम करना बंद कर देती हैं, तो इसको हम क्रॉनिक किडनी डिसीज़ का एक बड़ा नाम दे देते हैं। फिर उसके बाद हमें उसका कारण ज़रूर देखना होता है कि क्रॉनिक किडनी डिसीज़ इन सब में से किस कारण से हुई है। दूसरा ये देखना होता है कि वो रिवर्सिबल है, अगर हम उस फैक्टर को जो कि बीमारी पैदा कर रहा है, जो किडनी डैमेज कर रहा है, अगर उसको दूर कर सकें तो फिर ये वापस भी ठीक भी होने लग जाती है। लेकिन कई बार इतना इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है, स्टोन इतने लंबे समय तक अंदर नेगलेक्ट कर दिए जाते हैं कि उसमें इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है, उस समय या डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा अनकंट्रोल्ड रही कि उसने किडनी को कम्प्लीटली डैमेज कर दिया। ऐसी सिचुएशन में फिर किडनी किसी भी इलाज से रिकवर नहीं कर पाती और हमें एक तरह से रिप्लेसमेंट थेरेपी, किडनी रिप्लेसमेंट, किडनी को रिप्लेस करने के जैसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे सामने आती हैं।